राहुल ढोलकिया बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं और इन्हें बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज या शॉर्ट मूवीज बनाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने पहली फीचर फिल्म बनाई थी कहता है दिल बार बार, जिसमें जिमी शेरगिल लीड रोल में दिखाई दिए थे। हालांकि मूवी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और एक फ्लॉप फिल्म रही थी और इन्हें फीचर फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर ख्याति मिली थी रईस मूवी से, जिसमें हमें शाहरुख खान देखने को मिले थे और शाहरुख खान सर ने भी लंबे समय के बाद कोई हिट मूवी दी थी और इनकी गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर्स में होती है। तो आज हम इस वीडियो में राहुल ढोलकिया सर की हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में जानेंगे, इनका बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर वन, कहता है दिल बार बार। इस मूवी का डायरेक्शन किया राहुल ढोलकिया ने। मूवी में जिमी शेरगिल, किम शर्मा और परेश रावल दिखाई दिए। मूवी 2002 में रिलीज हुई और 4.7 की IMDb रेटिंग वाली ने इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन नहीं किया और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इनकी नेक्स्ट मूवी थी परजानिया। इस मूवी का डायरेक्शन किया राहुल ढोलकिया ने। मूवी में नसरुद्दीन शाह, सारिका और कोरिन दिखाई दिए। मूवी 2007 में रिलीज हुई और 7.6 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। हालांकि इस मूवी को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया और इस मूवी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा दमदार था। नेक्स्ट मूवी थी लम्हा। मूवी का डायरेक्शन किया राहुल ढोलकिया ने। मूवी में संजय दत्त, विपाशा बासु और कुणाल कपूर दिखाई दिए। मूवी 2010 में रिलीज हुई और 5 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन नहीं किया और कलेक्शन के हिसाब से यह एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। इनकी नेक्स्ट मूवी थी रईस। यह एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसका डायरेक्शन किया राहुल ढोलकिया ने। मूवी में शाहरुख खान, माहिरा खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखाई दिए। मूवी 2017 में रिलीज हुई और 6.8 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी का बजट था 90 करोड़ और इसने कलेक्शन किया 314 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं जल्दी आपको एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप बन रही हमारे साथ। धन्यवाद।